लेकिन उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का, जाने माने वास्तु एक्सपर्ट हैं। आनंद जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुछ और जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, कर्ज की स्थिति वास्तु का चला सकता है जी। क्या होता है शायदा जी के हम जो है हम सोचते हैं मकान जो है हमारा ईंट पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ईंट पत्थरों से बना हुआ नहीं है। ये जो हमारा मकान है, ये मकान हमारे अरमानों का मकान है। इसको हमने बड़े शौक से, बड़े अरमानों से खरीदा, या जिस प्रॉपर्टी में आप पहले से रहते हैं साथियों, उस प्रॉपर्टी के साथ हमारे सेंटीमेंट्स, हमारे इमोशंस, यहाँ तक कि हमारे सपने जुड़ जाते हैं। और जिस दिन उस पर बोर्ड लटकता है फॉर सेल का, उस दिन तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, हिल जाते हैं अंदर तक हम लोग, और तार तार दिखाई पड़ता है सब कुछ होते हुए, हमारे सेंटीमेंट्स, हमारे इमोशंस, हमारे सपने सब कुछ टूटते हैं। ऐसा ना हो साथियों, आपके लिए, आपके साथ कभी ऐसा ना हो, इसके लिए आप हमारे साथ में आज देखते रहिए और हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे अच्छे वास्तु के टिप्स कि किस कारण से होता है आपके ऊपर ये कर्जा और किस कारण से बचाएं अपनी प्रॉपर्टी को। बिल्कुल सही कहा आनंद जी ने। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ स्थिति ना बने, और अगर ऐसी स्थिति बनने की शंका आ गई है, आशंका आपको पहले से ही लग रही है, तो अपना लीजिए वो फॉर्मूला जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पहला मैजिकल फॉर्मूला। दोस्तों, आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी आपके पास हमेशा बनी रहे और आपका जो लोन है, जो कर्ज है, आपके पास कभी रहे नहीं, आपके ऊपर से फटाफट उतर जाए, तो इसके लिए आप सीख लो फार्मूला, जिससे कि आप जो है कर्ज को कर दें अनस्टेबल और अपनी प्रॉपर्टी को कर दें अपने पास स्टेबल। इससे क्या होगा, आपका जो लोन है फटाफट उतरेगा और जो प्रॉपर्टी है आपके पास हमेशा बनी रहेगी। इसका आसान सा तरीका है कि आपके जो लोन के पेपर्स होते हैं उनको रखिए अनस्टेबल डायरेक्शन में, जिसको कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। और जितने भी प्रॉपर्टी के पेपर आपके पास होते हैं, जो चाहते हैं आपके पास में रहे और स्टेबिलिटी आपके साथ में बनी रहे उसकी, उन पेपर्स को हमेशा रखिए आप साउथ वेस्ट की अलमारी में। इसके साथ साथ क्या करना है कि जिस अलमारी में आपने अपना ये डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं प्रॉपर्टी के साउथ वेस्ट में, उसमें आप रखें ग्रीन गार्नेट स्टोन, एक छोटा सा पीस आप इसमें रखें, जो कि वहां पर लाएगा अबंडेंस और वहां पर जो है आपकी प्रॉपर्टी को सेल होने से बचा देगा। चलिए कॉलर है हमारे साथ राजेश जी, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने अपना नया घर बनाया है और मैं 2 साल में घर बनाया, लेकिन मेरा रहने वहां जाने का मन नहीं हो रहा है, तो अवेली जी, आप कुछ दशा या दिशा कुछ बता सकते हैं अपने प्रॉपर्टी के बारे में जी? बताइए, आपके पास साफ नहीं आ रही है। हेलो जी, नमस्ते। हाँ जी, मैं जो बासा राजस्थान के दक्षिण जिले में, दक्षिण में बासा जिला है, वहाँ मैंने घर बनाया है, तो इसके घर है इसका, और वहाँ मैं कच्चा पानी का टैंक बनाते हैं हम लोग। इन्होंने क्या किया हुआ है कि आपने जो है ना अपना जो पानी का कच्चा टैंक है, जहाँ से कि आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो आपने साउथ साउथ वेस्ट में बना दिया है गलती से, पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या किया, उस मकान की रक्षा करने के लिए, चारों तरफ से घेरने के लिए, आपने सबसे पहले उसकी नॉर्थ की और ईस्ट की दीवार खड़ी कर दी है, ये बात बिल्कुल पक्की है। और यदि आपने ऐसा किया है तो नॉर्थ और ईस्ट की दीवारों को बनाने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि साउथ और वेस्ट दीवार बनाएंगे, और जो पानी का कच्चा टैंक है, अगर आपका साउथ वेस्ट बना रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी कभी कंप्लीट होनी बहुत मुश्किल पड़ जाएगी और आपका वहां जाने को दिल नहीं करेगा। अपना पानी का टैंक नॉर्थ ईस्ट में लेके आए और आपकी प्रॉपर्टी देखिए कितनी जल्दी बनती है। एक और कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, सरोज, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका सरोज जी। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते मैम। नमस्कार सरोज सर, मैंने ना हमारा 25 गज का प्लॉट है, हम बनाने जा रहे हैं उसको, तो वो क्या बना देंगे कि टॉयलेट वगैरह किचन वगैरह किस साइड होनी चाहिए? जी जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल हमने पूछा है। आपने नया मकान बनाना शुरू करना, ये बहुत अच्छा समय पूछने के लिए आपका। आपने क्या करना है कि जो टॉयलेट आपने बनाना है, वो आपने बनाने हैं वेस्ट में, मिडल ऑफ वेस्ट में, मिडल ऑफ साउथ में। अगर यहाँ पे जगह नहीं बनती है तो नॉर्थ वेस्ट तक भी आप टॉयलेट बना सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका होता है। अपना मास्टर बेडरूम बनाइए साउथ वेस्ट में, किचन रखिए साउथ ईस्ट में, आपका मकान बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनेगा। आपका वास्तु एलिमेंट बेहद खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी तंदुरुस्ती के बारे में। आप कितने फुर्तीले हैं जरा सोचिए, अगर आप अपने आप को हर वक्त थका थका महसूस करते हैं, तो मान के चलिए ये जो एलिमेंट है ये आपके मूलाधार चक्र को बहुत स्ट्रांग करेगा, और उसके बाद आप हमेशा फ्रेश फील करेंगे। आज के इस एलिमेंट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं दूसरा मैजिकल फॉर्मूला। साथियों, नेगेटिविटी किसी मकान के अंदर जब आती है तो दो तरह से आ सकती है। एक तो आती है वो
जो आप अपना पुराना मकान छोड़ के आए थे उसमें जो सामान थोड़ा बहुत जो रिपेयर वाला सामान था साथ में उठा रहा है, आपका एसी है, कूलर है, पंखे वहां से उठा रहा है कि चलो इसको चल के हम वहां जाके ठीक करा लेंगे, लेकिन आपने ठीक नहीं कराए। दूसरी नेगेटिविटी आपने नए मकान में क्रिएट कर दी, जब आपने नया मकान जो सामान आपने परचेज किया उसके जो कार्टन थे उसके जो डब्बे थे वो आपने सहेज लिए और देखा कि इस मकान के अंदर जगह कम थी, वहां पर अलमारी कम थे, तो आपने क्या किया कि उसका ढेर लगा दिया आपने अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर, अपने सोफे के ऊपर और किसी कमरे के कोने में। इसका मतलब आपने दो तरह से नेगेटिविटी वहां पर क्रिएट कर दी है। यदि आपने ऐसा किया हुआ है तो उसको सबसे पहले इसको ठीक करें और ध्यान रखें जहां पर आपने पैसे की अलमारी रखी है, जहां पर कि आपका सब कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ, तो उसके ऊपर कभी भी बीम नहीं होना चाहिए। अगर बीम हुआ तो आपको वही स्ट्रेस मिलेगा जो कि आपको मिलता है, तो बीम के नीचे से हमेशा कैश की अलमारी को हटा लें। साथियों, नागपुर से हमारे साथ कांता है, अब हम उनसे बात करेंगे। कांता जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम। जी कांता जी, नमस्कार। हेलो जी, हेलो कांता जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हेलो मैम। जी कांता जी, सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते सर, हमारे दो सवाल है जी। कि हमारे जो हमारा जो गेट है, जैसे जो गणपति का मूर्ति भगवान गणेश की मूर्ति लगानी है जैसे जी, तो वो यानी कंपाउंड वहां से गेट को लगाए या घर के आने के अंदर आने के बाद जो मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर लगाते हैं, और आगे पीछे दोनों साइड से लगानी चाहिए जी। जी जी, समझ गया, ठीक है। आपने क्या करना है कि जो आपने जब मूर्ति लगानी है, जब गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं तो हमेशा डबल लगाई जाती है, एक अंदर एक बाहर। हमेशा ध्यान दें कि आपकी जो मूर्ति है आपने मेन गेट पर नहीं लगानी है, आपने मुख्य द्वार पर लगानी है, जहां से घर के अंदर आते हैं। एक मूर्ति लगाएं अंदर की तरफ, दूसरी लगाएं बाहर की तरफ, और दोनों ही पोज हो सिटिंग, और उनकी जो ट्रंक के जो सूंड है वो उनकी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। चलिए बात करेंगे उस खास दिशा के बारे में जो कि अपने आप में बहुत कुछ कहती है, यानी कि बात कर रहे हैं बोलती दिशाओं की, और कौन सी एक हिस्से में दिशा आज हम आपके लिए लेकर आए ये जानते हैं बोलती दिशाओं में। साथियों, आज हम बात करेंगे उस दिशा की जिसे कहते हैं ईस्ट, यानी पूर्व। ये पूर्व की जो दिशा है 90 डिग्री पर होती है कंपास में, और ये क्या करती है कि ये हमारे माइंड के ब्लॉकेज को खोलती है, हमारे होरिजन को आगे बढ़ाती है, साथ ही मिलता है हमें इससे ज्ञान, बुद्धि और विवेक, साथ ही मिलता है हमें इससे करेक्टर भी। तो यहां पर आपने क्या करना है, लाइब्रेरी बनानी है आपने, इसमें बहुत अच्छी रहेगी। और जब भी सुबह उठने के बाद आप ईस्ट में फेस करें, सूरज की ओर फेस करने के बाद में सूरज की पहली किरण के ऊपर विजुलाइज करें अपने फ्यूचर को, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जीवन में। अगर आप ऐसे विजुलाइज डेली करते हैं तो वो आपके जो सपने हैं वो साकार हो जाएंगे। साथियों, ईस्ट की जो क्वालिटी है ये दिशा बहुत अच्छी है, ऐसी क्वालिटी किसी और दिशा में नहीं है। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे मैजिकल फॉर्मूला नंबर 3-4 के बारे में। साथ ही साथ होगा आपको फ्रेश करने के लिए हमारा आज का वास्तु एलिमेंट भी, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भारी पर नाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।